फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लुटपा टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत करता है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ओके फ्रेंड्स, पहला जो ट्रिक्स है वो है कि देखिए यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइपिंग करूँगा, देखिए यहाँ पे टाइपिंग कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए नीचे देखिए मेरे मतलब सेंड की बटन है। तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टाइपिंग करते हैं, यहाँ से सेंड करते हैं, तो कैसे करते हैं ये नीचे मतलब कीबोर्ड में कैसे ये करता है, तो इसके लिए आपको बैक जाना है। जाने के बाद यहाँ पे देखिए थ्री बटन है, थ्री बटन पे आने के बाद यहाँ पे देखिए सेटिंग्स है, नीचे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेट दो नंबर जो ऑप्शन है वो सेट पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे देखिए इंटर इज सेंड, मतलब आपको कीबोर्ड में ये सेंड हो। अगर आप ये आप लोगों को ऑफ है तो ऑन कर दीजिए, तो कीबोर्ड में सेंड ऑप्शन आ जाएगा। ओके, सो गाइस, सेकंड जो ट्रिक्स है वो है कि क्यूआर कोड, मतलब आपको जो मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप खुला है तो वो दूसरे मोबाइल से आप लॉगिन करना चाहते हैं या दूसरे नंबर से खुलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है, आपको नंबर डालना पड़ता है। लेकिन मैं जो आपको जो ट्रिक्स दिखाऊंगा अभी बताऊंगा, वो ट्रिक्स अगर आप लोग करोगी तो शॉर्टकट से आप मतलब आपको व्हाट्सएप नंबर दूसरे मोबाइल से लॉगिन कर सकते हो, यानी आप भी दूसरे मोबाइल पे दूसरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप आपको मोबाइल पे लॉगिन कर सकते हो। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे आपको सेटिंग्स में आना होगा, थ्री बटन पे आके यहाँ पे सेटिंग में आके आपको यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे आपको डीपी है, डीपी के लास्ट में देखिए यहाँ पे चार मतलब बारकोड जैसा है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद देखिए ये आपका क्यूआर कोड है। तो अगर दूसरा मोबाइल मतलब दूसरा क्यूआर कोड आप डालना चाहते हैं यानी दूसरा मोबाइल से लॉगिन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन को यहाँ पे स्क्रीन कर दोगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, ओके। थर्ड नंबर जो मतलब ट्रिप्स है, तो मैं ये फ़ोटो परमानेंट रह जाए मेरे मोबाइल पे, तो इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली देखिए यहाँ पे थ्री बटन है, थ्री बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स पे आना है। आने के बाद यहाँ पे दो नंबर जो ऑप्शन है सेट्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे देखिए बैक सेट बैकअप, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे, गूगल अकाउंट कौन सा अकाउंट में आप ये बैकअप करना चाहते हो, तो यहाँ पे सारा ऑप्शन है, वीडियो या फोटो सब कुछ बैकअप हो जाएगा, हमेशा के लिए रह जाएगा जितना जब तक आपको ईमेल याद है। ठीक है, ओके। चार नंबर ट्रिक्स, ओके गाइस, हाउ टू सेंड एसएमएस, मतलब ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड कैसे हो जाता है, यानी आप लोग कुछ भेजा है कि हाय भेजा है तो ऑटोमेटिकली ऐसे तरह से मेरे जो स्क्रीन पे अभी देख रहा है इसी तरह से ऑटोमेटिकली एसएमएस आ जाता है, तो कैसे करता है, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है, जिस एप्लीकेशन का नाम है व्हाट्सएप बिजनेस, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। यानी ओके गाइस, डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, यानी ओपन करना है। ठीक है, ओके गाइस, इसके लिए आपको थ्री बटन पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है, जाने के बाद आपको जाना है बिजनेस टूल्स पर, बिजनेस टूल्स पर आने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोफाइल मैसेज एनी मैसेज, यहाँ पे पूरा प्रोसेस आप लोगों को मिल जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आप लोग कर सकते। ओके गाइस, हम लोगों को जो लास्ट ट्रिक्स है वो है कि आप लोग बैकग्राउंड में कुछ फ़ोटो लगाना चाहते हैं, आपको सिंपली थ्री बटन पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे देखिए वॉलपेपर, ये बीच में जो वॉलपेपर है उसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो वहाँ पे सिलेक्टेड आ जाएगा।